हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमकुम किचन्स में। आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट बनने वाली स्वीट रेसिपी लेकर आई हूं और इसको हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं। 50 से 60 रुपए में आपका ये टेस्टी डिजर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और आप इसको बहुत ही आसानी से कम समय में घर पर बना सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत ही कम समय में बनता है, तो इसको आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करें इसे बनाना। यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ली है। चीनी हमारे घरों में अवेलेबल होती है और मैं इसमें डाल रही हूँ इसी कप से 1/3 कप पानी। हमें चीनी को घुलने तक पकाना है। हमें इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है, तो तेज आंच पर इसे 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसे घुलने तक पकने दीजिए। देखिए हमारी चीनी जो है घुल गई है और चाशनी में तब्दील हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे रोज एसेंस। तो यहाँ पर मैं रोज एसेंस की कुछ बूंदे इसमें डाल रही हूँ। ये आसानी से मार्केट में 15 से 20 रुपए के अंदर मिल जाता है, तो आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। देखिए हमारा जो शुगर सिरप है वो तैयार हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें हल्का सा रेड फूड कलर ऐड कर रहे हैं। बिना कलर के भी ये बन सकता है, लेकिन कलर देने से ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। और जो चाशनी है देखिए कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई। तो हमें इस तरीके की चाशनी चाहिए। इसको हम निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल कर ठंडा होने रख देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ब्रेड का पैकेट आपको 20 रुपए में आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, 20-22 रुपए में मिल जाता है। और ये मेरे पास ब्राउन ब्रेड थी, तो मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर मिल्क ब्रेड इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको मैं कुकी कटर से काट लेती हूँ। आपके पास यदि कुकी कटर नहीं है तो आप कोई भी राउंड शेप के ढक्कन से इसे काट सकते हैं, राउंड आकार में बना सकते हैं या इसको चौकोर भी काट सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है। हमें 2-2 पीस की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसे 2-2 रख रही हूँ। इस तरीके से मैंने 6 डेजर्ट बनाने के लिए इसे काट लिया है। और यहाँ पे मैंने घर की फ्रेश मलाई इस्तेमाल की है, ये भी घर में आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पे मैं नारियल का बूरा ले रही हूँ। 8 से 10 रुपये में आपको नारियल का बूरा मिल जाएगा। 1 से 2 दिन की जो फ्रेश मलाई होती है उसको आप इस्तेमाल कीजिए। मलाई हमारी थोड़ी गाढ़ी होना चाहिए, पतली मलाई हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम मलाई को लेकर इसके बीच में इस तरीके से स्टफ करेंगे। देखिए इस तरीके से मलाई को स्टफ कर दीजिए और दूसरा वाला पीस रख दीजिए। जो एक्स्ट्रा मलाई है उसको आप इस तरीके से अलग कर दीजिएगा। इसी तरीके से सारे पीस के बीच में हम मलाई लगा देते हैं। मैंने सभी पीस के बीच में मलाई लगाकर तैयार कर ली है। जो एक्स्ट्रा मलाई निकल गई है उसको हम अलग कर लेंगे, जिससे कि यह फैले ना। देखिए सभी पीस में मैंने मलाई लगाकर तैयार कर ली है। अब जो हमारा शुगर सिरप है वो भी ठंडा हो गया है और देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है। साथ ही मैंने यहाँ लिया है नारियल का बूरा, जो कद्दूकस किया हुआ नारियल होता है बारीक वाला, वो मैंने यहाँ लिया है। और अब हम जो ये पीस हैं इनको चाशनी में डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा देर डिप नहीं करना है, सिर्फ इतना ही डिप करना है कि चाशनी जो ब्रेड है वो चाशनी सौंप ले। इसे अब हम नारियल के चूरे में इस तरीके से कोट कर देंगे। देखिए जो हमारा डिज़र्ट है बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप सभी मिठाइयों सभी पीस को कर लीजिए, है ना, बहुत ही आसान रेसिपी। और आप इस शुगर सिरप को बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको शरबत की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत में शरबत बनाने के लिए शुगर सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से एक एक करके सभी पीस मैंने यहाँ रख लिए हैं। इसे नारियल से अच्छे से कोट कर दीजिए, जिससे कि ये उठाते वक्त थोड़े चिपचिपे नहीं लगेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कम समय लगेगा आपको और बहुत कम सामग्री में बन जाते हैं। आप घर की बची हुई ब्रेड से भी इसको बना सकते हैं, ब्रेड का भी इस्तेमाल हो जाएगा। और यदि आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।